जब भी हम मिस्र यानी इजिप्ट का नाम सुनते हैं, हम सभी लोगों के दिमाग में वहाँ की प्राचीन रहस्यों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। चाहे वो यहाँ के पिरामिड हो, या फिरौन यानी राजा हो, या फिर यहाँ के रहस्यमयी रानियाँ हो, ये सभी ही अपने ऊपर रहस्यों की एक मोटी चादर ओढ़े हुए हैं। इजिप्ट की रहस्यमयी हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं, हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं जिसे जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि क्या तब ऐसा भी हुआ करता था। जी हाँ, जिनमें यहाँ के कई प्राचीन राजा और रानियाँ भी शामिल। इन्हीं प्राचीन रानियों में से एक ऐसी दुनिया की सबसे बदनसीब रानी थी अनक्सेनामून, जिनका इजिप्ट के इतिहास में खास योगदान है। लेकिन ये रानी अपने कामों से नहीं बल्कि अपने नाजायज संबंधों की वजह से ज्यादा जानी जाती है। तो चलिए इस रानी के रहस्यमयी इतिहास से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये बात है आज से लगभग 3000 साल पहले की, जब इजिप्ट की सभ्यता और समृद्धि अपने चरम पर थी। तब तक इजिप्ट के लोग बहुत धार्मिक हुआ करते थे। इजिप्ट और इजिप्ट के राजाओं का चारों तरफ बोलबाला हो रहा था। तभी इजिप्ट के सबसे बड़े किंग अखानातन के घर एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अनक्सेनामून। आपको बता दें कि अखानातन और उसका शाही परिवार हमेशा ही याद किया जाता है, लेकिन अपनी किसी प्रसिद्धि, ताकत या अमीरी के लिए नहीं, बल्कि इनके अपने कुछ अजीबोगरीब फरमान, रहस्यमयी मौतें और नाजायज संबंधों के कारण ये पूरी दुनिया में आज भी याद किए जाते हैं। अखानातन उस समय इजिप्ट का सबसे अय्यास और एक क्रूर राजा था, जिसने तब मिस्र में एक फरमान जारी किया, अब से मिस्र में केवल सूरज की पूजा की जाएगी, यहाँ का कोई भी इंसान किसी और देवता की पूजा नहीं करेगा। अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। उससे उसकी पूरी प्रजा बहुत क्रोध में आ गई, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इन बेतुके फरमानों के अलावा अखानातन अपनी अय्यासी भरी जिंदगी के लिए भी कुख्यात था। ऐसे ये तो सभी जानते हैं कि मिस्र के फिरौन पूरी दुनिया में अपनी बेशर्मी और हवस के लिए बदनाम है, लेकिन अखानातन तो अय्यासी के मामले में अपने बाप दादाओं को भी पीछे छोड़ दिया था। वैसे तो इसके कई बच्चे थे, लेकिन इसकी 3 बेटियां बेहद ही खूबसूरत थी। कहा जाता है कि ये इतना अय्यास किस्म का इंसान था कि अपने खुद 3 बेटियों को भी इसने नहीं बख्शा, जिसमें से पहली बेटी का नाम मेरी टेटन, दूसरी बेटी मेके टेटन, तीसरी अनक्सेनामून। इतिहासकारों का ये भी दावा है कि इसकी सबसे बड़ी बेटी मेरी टेटन की किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी मौत अपने ही बाप यानी अखानातन के बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। लेकिन इजिप्ट की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बदनसीब रानी अनक्सेनामून थी, क्योंकि ना तो वो कभी रानी बन पाती है और ना ही पत्नी। जब अनक्सेनामून केवल 15 साल की थी, तब उसके पिता अखानातन ने उससे जबरन शादी कर ली, लेकिन उसके बाद से इसका आतंक ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और वो मात्र 45 साल की उम्र में ही मर गया। इसकी मौत से मिस्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर उसकी तत्कालीन मृत्यु के बाद उसके बेटे तूतनखामिन को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब जैसे ही अनक्सेनामून सोचती होती है कि उसे अपने पिता से छुटकारा मिल गया, तभी गद्दी पर बैठते ही तूतनखामिन अपनी ही बड़ी बहन अनक्सेनामून से शादी कर लेता है। उस समय वो केवल 9 साल का था और अनक्सेना 17 साल की थी। मिस्र के उस दौर में शाही परिवारों में भाई बहनों की आपस में शादी होना एक आम रिवाज थी। बताया जाता है कि उनका रिश्ता काफी अच्छा चला था और 4 साल तक उन्होंने मिस्र की सभ्यता में काफी बदलाव भी किए। इसके अलावा उनके पिता के सारे गलत फरमान को हटा दिया, साथ ही ये भी जारी कर दिया कि हर कोई किसी भी देवता का पूजा कर सकते हैं जो वो लोग पहले किया करते थे। लेकिन इस बीच अब 21 साल की अनक्सेना अपने जीवन में बिल्कुल ही खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो छोटी सी उम्र में वो अपने ही पिता की हवस का शिकार बनी, दूसरी तरफ बड़ी होने पर उसे अपने छोटे भाई तूतनखामिन से शादी करनी पड़ी जो कि उससे 7 साल छोटा था। शादी के कुछ साल बाद ऐसे ही मात्र 18 साल की उम्र में ही अचानक तूतनखामिन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, और इसके साथ ही इसके जो तो मृत बच्चे थे जिन्हें उसकी कब्र में ही उसके साथ मम्मी बना दिया गया। लेकिन मिस्र के लोगों का मानना है कि उसकी बहन अनक्सेना ने ही उसको मरवाया था, क्योंकि उसकी मौत के बाद मिस्र की पूरी सल्तनत अनक्सेनामून के हाथ में आ गई। ये बताया जाता है कि तूतनखामिन वैसे भी शरीर से बहुत कमजोर था और उसके एक पैर में भी थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन 2010 में वैज्ञानिकों को तूतनखामिन के अवशेषों की जांच से ये पता चला कि उसकी मौत एक संक्रमित टूटे हुए पैर और मलेरिया के वजह से हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन सच में उसकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में इतिहास के पन्ने बिल्कुल खामोश हैं। अब ये वो दौर था जब मिस्र को एक शक्तिशाली फिरौन की जरूरत थी। मिस्र के लोग भी यही अभी सोच रहे थे कि अब अगला फिरौन कौन बनेगा। तभी एक वजीर की बातें होने लगी, जिसका नाम था आया। आया अधेड़ उम्र का एक बुढ़ा इंसान था जो मिस्र की सल्तनत के लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता था, क्योंकि उस समय में मिस्र का कोई भी राजा कोई भी बड़ा काम या फैसला करने से पहले आया का राय जरूर लेता था। आया रिश्ते में अनक्सेना का सगा नाना लगता था, लेकिन उसकी भी नीयत अनक्सेनामून के लिए खराब थी। वो अनक्सेनामून के साथ साथ मिस्र की गद्दी को भी पाना चाहता था। धीरे धीरे वो इसके लिए अनक्सेना पर दबाव बनाना शुरू कर देता है कि वो उससे शादी कर ले, ताकि आया को वहाँ के लोग मिस्र का राजा बना दे। लेकिन अनक्सेना ये दोनों बातें ही नहीं चाहती थी, तो इससे बचने के लिए अनक्सेना ने इसका एक तोड़ सोचा और अपने पड़ोसी राज्य के राजा जो कि हिती सभ्यता के राजा थे उनको उसकी जान बचाने के लिए एक पत्र भेजा। उसमें ये लिखा कि आप अपने बेटों में से किसी भी बेटे की शादी मुझसे करवा दीजिए, जिससे आपका बेटा मिस्र की सल्तनत का अगला राजा भी बन जाएगा और मैं आया से
में भी बच जाऊंगी। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह पत्र पढ़ते ही अपने सबसे शक्तिशाली बेटे को मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन आया के बहुत से खबरें थे जिसकी वजह से उससे ये खबर छुप ना सकी और उसने बीच रास्ते में ही एक ऐसा जाल फेंका जिससे पड़ोसी राज्य से आया हुआ राजकुमार और उसकी पूरी सेना रास्ते में ही मारी गई। जिसके बाद अनक सेनामुन को मजबूरी में अधेड़ उम्र के नाना आया से ही शादी करनी पड़ी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब इतना ज्यादा उम्र का बुढ़ा व्यक्ति मिस्र की सल्तनत का फिरौन बन रहा हो। बताया जाता है कि जहां अनक सेनामुन इस शादी से इतनी दुखी थी, वहीं इस शादी से आया उतना ही खुश था, जिसकी खुशी में उसने पूरे मिस्र के लोगों को दावत दिया था। आगे ये रिश्ता कितने दिन तक चला, इनके बच्चे हुए या नहीं हुए, इसके बारे में भी ऐतिहासिक पन्ने बिल्कुल छुपा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतिहासकार ये दावा करते हैं कि शादी के कुछ महीनों बाद ही अनक सेनामुन की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र 25 साल से भी कम थी और ये इतनी शर्मिंदगी की बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसे अपने बाप भाई और नाना की हवस का शिकार बनना पड़ा। इसी कारण इस रानी को न केवल मिस्र बल्कि विश्व की सबसे बदनसीब रानी माना जाता है। तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं आपको अनक सेनामुन के इस अनसुने और रहस्यमयी इतिहास को जानकर कैसा लगा, और इससे जुड़े दूसरे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत सारा वाला थैंक यू सो मच।